सुमित्रा महाजन जी, विस्तार न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, नमस्कार नमस्कार। अब तक जो रुझान आए हैं सुमित्रा जी, और जिस तरह से ये एग्जिट पोल आए थे, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी, मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी उन आंकड़ों से पीछे दिखाई दे रही है। सुमित्रा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। एक बात तो मैं पहले ये कहूंगी कि मध्य प्रदेश के संगठन पे मुझे आज गर्व हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो मजबूत संगठन है, और उसमें ये भी बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि, ये दोनों मिल करके ये सब कमाल दिखाया है मध्य प्रदेश ने। बाकी जगह पे जरूर हमारी जो उम्मीद से हम थोड़े कहीं ना कहीं, मगर मैं अभी देर नहीं कह सकती क्योंकि अभी सभी नतीजे आना है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि तीसरी बार, लगातार तीसरी बार इतने अच्छे वोटों से और इतने अच्छे सीट से सरकार बनाना, वो भी हिंदुस्तान की, जहाँ हिंदुस्तान में आप देखोगे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग वातावरण है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की लीडरशिप है, ये सब होते हुए इतने अच्छे रिजल्ट लाना, ये भी बहुत अच्छी बात मैं मानती हूँ। निश्चित तौर पर आप जो बात कह रही हैं, आप जो बात कह रही हैं, और उसी से खैर मध्य प्रदेश में आपने संगठन को धन्यवाद दिया और संगठन को सराहा। निश्चित तौर पर जो काम करने का तरीका था और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के खाते में जाएगी, तो संगठन ने काम तो किया होगा। लेकिन यहाँ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। सबसे पहले मैं अभिलाष खांडेकर जी से आग्रह करूंगा कि वो सुमित्रा ताई जी से अगर कोई सवाल हो उनके, तो अभिलाष खांडेकर जी आप सीधे पूछ सकते हैं, मराठी में पूछ सकते हैं। ताई जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों आपका एक वीडियो पूरे देश में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपने चिंता व्यक्त की थी कि इंदौर शहर के बहुत सारे लोग आपको फ़ोन कर ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है और हम नोटा को वोट देंगे, और अब दिख रहा है कि 125,000 से ज़्यादा वोट इंदौर में नोटा का बटन दबाकर लोग वोट देने को का प्रयास किया है, और उसका बड़ा आंकड़ा पूरे देश में पहली बार दिख रहा है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक बात सुनो अभिलाष जी, मैंने विकल्प की बात नहीं कही थी। उस समय जो घटना हुई थी, वो घटना से नाराजी लोगों ने प्रकट की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैंने भी कहा था, मगर इसका मतलब मैं नोटा में नहीं गई। नोटा की जहाँ तक बात है, एक बात आप समझ लो, मैं 8 बार मैंने भी चुनाव लड़ा, जीता है, लेकिन मैंने हर बार ये बात देखी, कम से कम 2 लाख तो कांग्रेस के फिक्स वोट होते हैं। हर पार्टी का ये होता ही है, हमारा दीपक के समय हमारे भी है, जनसंघ के कुछ फिक्स वोट कम थे उस समय, मगर थे। वैसे कांग्रेस के भी परंपरागत वोटर है, और वो मेरे होते हुए भी कभी कभी कांग्रेस के परिवार के कुछ लोग मुझे वोट देते थे, मगर परिवार में ऐसे भी लोग थे, ताई आप अच्छी हो, लेकिन हमारा वोट तो कांग्रेस को। तो ये परंपरागत वोटर है। अब इस बार क्या स्थिति हो गई कि देखो, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कोई वोट देने जाता है उसको तो कांग्रेस को ही वोट देना है, मगर चुनाव चिन्ह नहीं है, और इसलिए वो उनकी उंगली कमल की तरफ नहीं बढ़ सकती, नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप जो कह रही हैं सुमित्रा जी, जो आप कह रही हैं, आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया और ब्रीफ किया कि आपके कहने का मकसद क्या था। लेकिन मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत भी जुड़े हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। ब्रजेश जी, आप सीधे सुमित्रा ताई से अपना सवाल कर सकते हैं।
राही, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंदौर हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाता है, चाहे साफ सफाई स्वच्छता में हो, तो मगर ये जो रिकॉर्ड बन गया है नोटा का, कि देश में पहली बार नोटा 1,00,000 वोट से ऊपर निकला है, 1,00,000 मत मिले हैं, तो इसको आप इंदौर के लिए अच्छी बात मानती हैं या थोड़े एक आम इंदौरी हो के आप थोड़ी दुखी होंगी इस बात से कि ऐसी छवि तो नहीं बनना चाहिए थी? नहीं, बात यह है, देखो बात साफ है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि साफ सुथरी राजनीति करो, और इसलिए आज भी कहूँगी कि ये नोटा हो या लोगों को अच्छी नहीं लगे, ऐसे यूं ही टिकलिश बात कभी कर दे मत ज़्यादा, सरल सीधी बात करो। मैं तो राजनीति में वही करती आई हूँ, और इसलिए ऐसी स्थिति क्यों लाना, कांग्रेस भी लड़े भाई, लड़ाई में सामने योद्धा तो होना चाहिए, तो लड़ाई में मजा आता है। अभी तो ये दिख रहा है भाई हम तो जीतेंगे ही सही, पहले दिन से तो भी हमने मेहनत तो करी कि वोट अच्छे आना चाहिए, और इसलिए ऐसी स्थिति कभी नहीं आना चाहिए। प्रजातंत्र में सामने वाला पक्ष भी निरंतर रहे। महराज दुबे जी हैं स्टूडियो में मेरे साथ, ऐसे ऐसे मेरे साथ चार वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमित्रा जी, तो एक सवाल महराज दुबे जी भी आपसे पूछना चाहते हैं। महराज जी सवाल कर सकते हैं। सुमित्रा जी, मेरा आज का ये सबसे पसंदीदा सवाल है, और क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि यूपी में कुछ गड़बड़ हुई है, और ये जैसे ज्ञानेंद्र सुबह से ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं, लेकिन वहां भी कोई ब्रेक हो गया है कुछ, क्या खेमे आ गए हैं, क्या बीजेपी और सरकार इतनी बड़ी और इतनी पुरानी हो गई कि अब खेमे दिखाई देने लग गए, जिसका असर उत्तर प्रदेश में और खासकर अमेठी सीट पर दिखाई दे रहा है? एक बात हमेशा आप समझिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति वास्तव में बहुत एक अलग तरीके से चलती है। अब मैं उसको जातिवाद कहूँ या क्या कहूँ, या उस कई जातियों के नेता वहाँ भक्कम है, मजबूत है, मराठी में हमें भक्कम मंड मजबूत है, और वो कभी कमज़ोर होते दिखते हैं फिर भी उभर करके आते, तो वहाँ की एक राजनीति मैं अभी इतनी पूरी नहीं समझ पाई हूँ, मगर इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में हर वर्ग में हमारा दमदार नेतृत्व खड़ा कैसे हो,